भारत यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। इस लोकतंत्र के सबसे बड़े फैसले पारित होते हैं संसद के द्वारा। वही संसद जो देश को हर छोटी से बड़ी पॉलिसी, कानून या बिल को पास करवाती है, जहां देश के चुने हुए एमपी देश के मुद्दों को उठाते हैं। उसी संसद का नया भवन अगले मानसून सत्र के लिए तैयार है। हालांकि उद्घाटन से पहले ही ये भवन विवादों में आ घिरा है। केंद्र और विपक्ष दोनों ही इसे लेकर आमने सामने हैं। लेकिन क्या आप इस नए बने संसद भवन और इससे जुड़े विवाद से वाकिफ हैं? क्या कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। अरे यार रुको, बताती हूँ मैं। अभी ध्यान से सुनना। हाँ, देश की नई संसद यानी कि पार्लियामेंट का उद्घाटन कल यानी कि 28 मई 2023 को होने जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 4 मंजिलों वाली ये इमारत लगभग 970 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई। त्रिकोण आकार और लगभग 64,500 वर्ग मीटर में फैली हुई ये नई बिल्डिंग लगभग 1224 एमपीज को बिठाने की क्षमता रखती है। इस बिल्डिंग का लोकसभा हॉल पुरानी इमारत के मुकाबले 888 सीटों के साथ लगभग 3 गुना बड़ा है। ये हॉल हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा हॉल 384 सीटों की क्षमता के साथ ही राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बना है। इस संसद की दिलो जान है इसका कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जो कि अपने आप में भारतीय नागरिक को कलात्मक अंदाज में पेश करते हुए लोकतंत्र की एक सजीव तस्वीर को उभारता है। इसके साथ ही नई तकनीक और कम्युनिकेशन से लैस ऑफिस संसद की संपूर्ण बिल्डिंग ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पेशकारी करती है। इको फ्रेंडली होने के साथ ही इमारत पूर्ण तौर पर विकलांग लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए सहयोगी है। लाइब्रेरी और विभिन्न कमेटी रूम तथा लॉन्च के साथ ही ये पूरी इमारत भूकंप से बचाव के लिए सक्षम है। इसके साथ ही ये संभावना है कि जुलाई में आने वाला मानसून सत्र इस नई बनी इमारत यानी कि संसद 2.0 में हो सकता है। इस इमारत का उद्घाटन अभी भी काफी विवादों में घिरा हुआ है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं दूसरे विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। इस मामले पर केंद्र और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस समेत 21 राजनीतिक दलों ने इस समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इसके साथ ही लगभग 25 दल सरकार के साथ हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए उनका नाम लिए बिना कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के बाद लोकतंत्र में नया संसद भवन देश को देने का काम करेंगे। वो अलग बात है कि कुछ लोगों के संसद के आने पर रोक लग गई। कभी वे संसद की कार्यवाही नहीं चलाने के बहाने ढूंढते थे, आज वे बहिष्कार करते हैं तो वही अपमानित करने का काम भी करते हैं। दरअसल मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही विपक्षी दलों के बहिष्कार पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजनीति की जा रही है लेकिन हमने सबको बुलाया है। ऐसे में ये इन पार्टियों के विवेक पर है कि वो आते हैं कि नहीं। उन्होंने सभी दलों से फिर से सोचने को कहा है। इसके साथ ही अब ये देखना है कि कल यानी कि 28 मई 2023 को संसद भवन के उद्घाटन समारोह में क्या रुख देखने को मिलता है। इस तरह की खबरों और तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।